Good morning to all of you. Myself Govind Singh Tawar. I'm PGT Biology in Paragon School. Welcome to all students in online classes of Paragon. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और जैसा हम मैं बता रहा हूँ अब हम 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसमें प्रीवियसली हमने दो वीडियोज अपलोड कर दिए हैं. जो बच्चे न्यू हैं जो नहीं देख पाए हैं वो यूट्यूब के चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोज देख सकते हैं. आज अपन रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में लास्ट एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का, जिसमें आज हम कुछ डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड. थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में अगर बता दूं तो ये किस तरह से शुरू हुआ उसे आप देखिए. रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जब हमने बात की तो रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में दो तरह का होता था. एक को कह रहे हैं एसेक्सुअल और दूसरे को कह रहे हैं बच्चों को सेक्सुअल. ठीक है, तो फर्स्ट इस चैप्टर में मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही डिस्कस किया गया है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी दो टाइप हैं. पहला एगेमोस्पर्मी और दूसरा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, अब हम जब एगेमोस्पर्मी और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं तो एगेमोस्पर्मी और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को भी फिर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तो होता है बच्चों नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल. एक है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और दूसरा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम पढ़ चुके हैं बाय स्टेम, बाय लीव्स, बाय रूट्स, बाय स्टेम, बाय लीव्स, बाय रूट, बाय रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है, तो ये मेथड्स के थ्रू हम पढ़ते हैं तो उसे हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसमें भी हम दो पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं. देखिए बच्चों, पहला होता है लेयरिंग, दूसरा होता है कटिंग और तीसरा होता है यहां पर ग्राफ्टिंग. तो देखिए बच्चों, लेयरिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था. एक था सॉइल लेयरिंग और दूसरा था एयर लेयरिंग. ऐसे ही कटिंग को भी दो पार्ट्स में डिस्कस किया गया है. एक होता है रूट कटिंग और एक होता है स्टेम कटिंग. इसके बाद ग्राफ्टिंग प्रोसेस के अगर अंदर देखें तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ्टिंग को. बच्चों किसे डिस्कस करने वाले हैं? ग्राफ्टिंग को. तो ग्राफ्टिंग क्या है उस प्रोसीजर से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. इतना हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को डिस्कस करने वाले हैं. और आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा मेथड है? ग्राफ्टिंग मेथड. कौन सा मेथड है? ग्राफ्टिंग मेथड. तो देखिए बेटा, सब इधर फोकस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे. तो मैं इसे यहां से हटा देता हूं. तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज ग्राफ्टिंग. तो देखो बच्चों, ग्राफ्टिंग, तो देखिए बच्चों समझो व्हाई रिक्वायर्ड ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग क्यों करते हैं और ग्राफ्टिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या पॉजिटिव वेज है, उनको समझने की कोशिश करते हैं. ग्राफ्टिंग से एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, यानी जब हम इसे आर्टिफिशियली मेथड में पढ़ रहे हैं तो यानी मैनमेड है. तो ग्राफ्टिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है,
कि किसी लोअर कैरेक्टर के प्लांट को, लोअर कैरेक्टर के प्लांट को, कैरेक्टर्स प्लांट को इंप्रूव वैरायटी बनाया जाता है, इंप्रूव वैरायटी प्रोड्यूस की जाती है, फिमेल में प्रोड्यूस द इंप्रूव वैरायटी एंड अकॉर्डिंग टू ग्राफ्टिंग प्रोसेस। वो कैसा होगा इसे एक बार थोड़ा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज वी हैव ए मैंगो स्पीशीज, हमारे पास एक मैंगो स्पीशीज है और उस मैंगो में दो स्पीशीज हैं, एक अमेरिकन स्पीशीज है और एक इंडियन स्पीशीज है। ठीक है, तो जो अमेरिकन स्पीशीज है बच्चों, उस अमेरिकन स्पीशीज में क्या होता है कि उनसे जो प्रोडक्शन होता है मैंगोज का, दे आर वेरी स्वीट, वो टेस्टेबल होते हैं या स्वीट होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, बट स्मॉल साइज, और वो कैसा होते हैं स्मॉल साइज। देखो जो मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं कि हम ग्राफ्टिंग क्यों करें। ठीक है, दूसरे प्रोसेस में देखिए, एक इंडियन स्पीशीज है वो लार्ज साइज होते हैं बट लेस स्वीट, समझ पा रहे हो आप कि जो मैंगो है उसमें अमेरिकन स्पीशीज में जो मैंगोज होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं लेकिन वो टेस्ट में बहुत स्वीट होते हैं, जबकि जो इंडियन स्पीशीज है उसमें लार्ज साइज के होते हैं लेकिन टेस्ट में वो कैसे होते हैं, थोड़े लेस स्वीट होते हैं। ठीक है, अभी वी रिक्वायर्ड ए प्लांट जिसके अंदर इंप्रूवमेंट के अंदर अगर हम देखें तो वहां पर हमें वो स्वीट वाला भी चाहिए और लार्ज साइज भी चाहिए। तो यानी वी वांट टू ऑब्टेन ए न्यू प्लांट, दे हैव दोज कैरेक्टर्स, दोज कैरेक्टर्स कि जिसके अंदर ये दोनों कैरेक्टर्स प्रेजेंट हो बच्चों। तो दोज कैरेक्टर प्रेजेंट होने के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि हम इस मैंगो की इस स्पीशीज को और इस स्पीशीज को किसी मेथड से मिला करके, जेनेटिकली मिला करके और एक न्यू स्पीशीज प्रोड्यूस कर लें, एक न्यू स्पीशीज को प्रोड्यूस कर लें, तो उस प्रोडक्शन के मेथड को ग्राफ्टिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ग्राफ्टिंग, जिसे हम कलम चढ़ाना भी कहते हैं, आपने कॉमनली सुना होगा ग्राफ्टिंग। और मेनली अगर आप देखेंगे तो रोज के प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा वैरायटी देखनी पड़ती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ग्राफ्टिंग प्रोसेस को एक्चुअली कंसिडर्ड कैसे किया जाता है, समझा कैसे जाता है। तो आपको ये एग्जांपल समझ में आया, आप देख लीजिए। ग्राफ्टिंग के लिए हमें दो इंपोर्टेंट चीजें चाहिए, दो इंपोर्टेंट पार्ट्स इंपोर्टेंट। फर्स्ट देखो, एक तो होता है बच्चों सीजन और एक होता है बच्चों स्टॉक। फर्स्ट कौन सा है? सीजन। एंड सेकंड कौन है? स्टॉक। तो देखो, सीजन तो क्या है और स्टॉक क्या है। स्टॉक को आप बेस पार्ट कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चों? बेस पार्ट, जो हमेशा सॉइल के साथ अटैच होगा, जुड़ा रहेगा, ग्राफ्ट प्रेजेंट होगा उसके साथ। तो देखिए, स्टॉक की अगर हम बात करें बेस पार्ट में, तो स्टॉक क्या होगा? जो जमीन के साथ अटैच होगा। और सीजन क्या होगा? ग्राफ्टेड पार्ट, यानी ये वो पार्ट होगा जिसे ग्राफ्ट किया जाएगा स्टॉक पर। ठीक है, तो अब इसे हम एक डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो देखो, ये हमारा अर्थ है और इस अर्थ पर ये कोई एक स्टेम है। ठीक है, और ये स्टेम यहां से जुड़ा हुआ है मेनली, और इसमें से रूट्स वगैरह प्रेजेंट हैं और ये अर्थ के कांटेक्ट में है। तो जब ये अर्थ के कांटेक्ट में है तो बताइए, क्या मैं इसे स्टॉक कह सकता हूं? सर बिल्कुल कह सकते हो आप इसे स्टॉक। स्टॉक वो पार्ट है जो अर्थ के कनेक्शन के साथ, अर्थ से जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें रूट प्रेजेंट होती है, तो स्टॉक है। अब ये स्टॉक पार्ट तो ये हो गया। अब ये एक नॉर्मल प्लांट स्पीसीज है, इसमें हम हायर कैरेक्टर्स को लाना चाहते हैं। तो हायर कैरेक्टर के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? सीजन की। तो हमने किसी और दूसरे प्लांट से एक स्टेम कलेक्ट किया और इसे आप कह दीजिए सीजन।
तो मुझे बताओ अब ग्राफ्ट किसे करने वाले हैं, सीजन को। तो स्टॉक पर ग्राफ्ट कौन हो रहा है बच्चों, सीजन। तो देखो आप यहां से इसको इस तरह से हम कनेक्ट कर देते हैं, तो ये कनेक्शन हो गया। अब इसको आप क्या कह सकते हो, सीजन विच पार्ट इज ग्राफ्टेड ऑन स्टॉक इज कॉल्ड सीजन एंड स्टॉक द अटैच बेस पार्ट इज कॉल्ड स्टॉक। क्लियर बेटा? तो स्टॉक और सीजन, तो स्टॉक पर सीजन को ग्राफ्ट किया जाएगा और इनसे एक नया प्लांट प्रोड्यूस होगा जो हाई कैरेक्टर्स वाला होगा, हाई कैरेक्टर्स वाला होगा। क्लियर बेटा? तो देखो अब हम ग्राफ्टिंग के मेथड्स को समझते हैं, ग्राफ्टिंग के टाइप्स को पढ़ते हैं। तो हमारे सिलेबस में ग्राफ्टिंग के 4 टाइप्स दिए गए हैं। तो देखिए इसको कैसे समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं इसे आप नोट कर लीजिए और हटा देता हूं अभी यहां से। देखिए तो इससे अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखो ग्राफ्टिंग कैन बी डिवाइड इन 4 पार्ट्स। पहला रहेगा विप और टर्न ग्राफ्टिंग, टर्न ग्राफ्टिंग। दूसरे की बात करें अपन वेज ग्राफ्टिंग और तीसरा है बच्चों क्राउन ग्राफ्टिंग। और चौथा है बड ग्राफ्टिंग। तो देखिए समझिए इसको, तो डियर स्टूडेंट देखिए आप, द ग्राफ्टिंग कैन बी डिवाइड इन 4 टाइप्स, विप या टर्न ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग और बड ग्राफ्टिंग। तो फर्स्ट हम समझते हैं इसके अंदर विप और टर्न ग्राफ्टिंग को। तो यहां पर इसको समझने की कोशिश करें, देखिए सब फोकस करेंगे सब। तो देखो सबसे पहले विप और टर्न ग्राफ्टिंग के लिए क्या होगा, द सीजन एंड स्टॉक हैव सेम डायामीटर। कि सीजन एंड स्टॉक पर सेम डायामीटर होना चाहिए बच्चों। कैसा डायामीटर होना चाहिए, सेम मतलब दोनों के पार्ट का साइज सेम होना चाहिए, ना तो कोई छोटा होना चाहिए ना कोई बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके लिए क्या होगा, दोनों पर एक वी शेप कट लगाया जाएगा, वी शेप कट लगाया जाएगा। ठीक है, अगर हम जिसे स्टॉक पर सीजन को ग्राफ्ट करने वाले हैं तो उसे हम वी शेप कट कहेंगे। एंड आफ्टर ग्राफ्टिंग वी प्रोटेक्ट विद ए स्टेबलाइज थ्रेड एंड पॉलिथीन बैग। ठीक, उसके लिए अपन यूज करें कि जब ग्रैप किया जाएगा उसको थ्रेड की मदद से या पॉलिथीन रैप से, तो अपन उसको क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्शन करेंगे कि एनवायरमेंटल एंटीजन का अफेक्टेशन वहां पर ना हो। तो देखो बेटा इसको डायग्रामेटिकली कैसे समझते हैं, देखो सबको हमारे पास हम सबसे पहला कौन सा टाइप समझ रहे हैं, विप और टर्न ग्राफ्टिंग। तो देखो समझो ये है सीजन, ठीक है, ये तो हो गया आपका सीजन। इस सीजन पर हमने एक वी शेप कट लिया है और एक हो गया आपका स्टॉक, या आप इसे भी ऐसे भी रख सकते हैं। तो देखो जैसे समझ लो, देखो एक तो ये वाला पार्ट हो गया, इसे आप कह दीजिए सीजन क्योंकि जो ग्राफ किया जाएगा, और एक होता है बच्चों
स्ट्रॉ जो बेस पार्ट, तो मुझे बताओ बेस पार्ट पर हम किसे ग्राफ कर रहे हैं, सीजन को ग्राफ कर रहे हैं। तो इस पार्ट को जब यहां पर ग्राफ किया जाएगा तो ये दोनों के कैंबियम्स, अब देखो कैंबियम क्या होता है, कैंबियम वो पार्ट है प्लांट्स के अंदर जो इंटरनल टिश्यूज से बना होता है और वो इंटरनल टिश्यू एक दूसरे के साथ अटैच होकर के दोनों कैंबियम पूल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं। तो देखो ना, सीजन और कैंबियम, सीजन और स्टॉक को अब यहां पर क्या किया जाएगा, दोनों को अटैच करने के बाद टाइटली किसी थ्रेड से बांध दिया जाएगा, रैप कर दिया जाएगा, यही टाइटली किसी थ्रेड से बांध दिया जाएगा। और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 10 टू 15 डेज ए न्यू प्लांट ग्रो, और लगभग 10 से 15 दिन के बाद एक नया प्लांट ग्रो करता है इस मेथड के थ्रू, तो उसे क्या कहते हैं अपन, विप या टंग ग्राफ्टिंग। क्या कहा जाता है बच्चों, विप या टंग ग्राफ्टिंग, क्लियर है। इस मेथड के थ्रू तो हम क्या करेंगे, विप या टंग ग्राफ्टिंग, जिसमें हमने एक वी शेप का कट लगाया और सीजन और स्टॉक को अटैच कर दिया है और उससे अपन एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट करते हैं, दे हैव मोर इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स, ओके। अब देखिए बेटा सेकंड टाइप हमारा, जो सेकंड टाइप का वो कौन है, वेज ग्राफ्टिंग। तो देखिए समझिए, इसमें भी कुछ कॉमन बातें हैं टंग ग्राफ्टिंग की तरह, उन्हें आप समझे। देखो वेज ग्राफ्टिंग, तो वेज ग्राफ्टिंग के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर सबसे पहले सीजन एंड स्टॉक है सेम डायमीटर, सेम डायमीटर। इसके साथ देखिए बेटा यहां पर हमें क्या करना होगा कि जो आपका सीजन होगा उसे एक वी शेप या अपन कह सकते हैं एक वेज टाइप का कट देना होगा। तो इसे कैसे समझ सकते हैं आप, देखिए वेज का मतलब होता है पॉइंटेड, पॉइंटेड। इस पॉइंटेड वेज पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि उसके अंदर किसी स्टॉक को के अंदर सीजन पार्ट को इम्प्लांट करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए समझिए, पहला ये तो हो गया है बच्चों हमारा सीजन, SCIO सीजन। और देखो ना इसके जस्ट बिलो हमने बना दिया है स्टॉक, तो ये क्या हो गया स्टॉक। तो बताओ अब ये वी शेप हुआ कि नहीं हुआ, सपोज कीजिए इसे हम एक वी शेप का कट दें और ये एक सीजन है, तो इस स्टॉक में से इस तरह से फिट कर दिया जाएगा और उसको रैप कर दिया जाएगा। तो रैप करने से क्या होगा, ये दोनों कैंबियम से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और प्रोटेक्शन मिलेगा। इसके साथ दोनों के कैंबियम पूल आपस में जुड़ने पर दोनों के कैरेक्टर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। तो देखिए हाँ, अब इसे भी हम थ्रेड को बांध देंगे और बांधने के बाद हम देखेंगे कि यहां से वेज ग्राफ्टिंग के थ्रू भी एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो ये याद रखेंगे कि यहां पर भी हम वी शेप कट लगाते हैं लेकिन वो वेज टाइप का लगाया जाता है और उस वेज टाइप में हम क्या करते हैं स्टॉक में किसी सीजन पार्ट में इंपार्ट करते हैं और वो ग्रोथ करने लगता है। क्लियर है। देखिए अब अगला देखिए आप इसके साथ तीसरा जिसको हम कहते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। ये क्राउन ग्राफ्टिंग विप टंग, विप ग्राफ्टिंग और वेज ग्राफ्टिंग से थोड़ा सा अलग है। तो इसमें देखिए क्या होता है, थर्ड क्राउन ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग इसको समझिए बेटा। तो क्राउन ग्राफ्टिंग मेथड में क्या होता है, द स्टॉक इज मोर डायमीटर, स्टॉक इज हैव मोर डायमीटर
फ्यूचर कंपैरिजन टू सीजन, कि जो स्टॉक होता है उसका डायमीटर थोड़ा बड़ा होता है कंपैरिजन टू सीजन, तो उससे क्या होगा, वी कैन ग्राफ हेयर, वी कैन ग्राफ हेयर मोर देन वन ग्राफ्स, कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एक से ज्यादा ग्राफ्टिंग प्रोसेस को स्टॉक के साथ अटैच कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं तो आपको समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहला, तो स्टॉक का डायमीटर बड़ा होगा, तो ये देखो बच्चों, ये आपका स्टॉक हो गया है, क्लियर। अब इस स्टॉक पर हम एक ग्राफ्ट नहीं करके लगभग कई सारे ग्राफ्ट लगाएंगे, तो देखो वो छोटे होंगे, बहुत छोटे होंगे। एक ग्राफ्ट ये हो गया, एक ग्राफ्ट ये हो गया, एक ये हो गया, इनको भी हम सीजन कह सकते हैं, एक ग्राफ्ट ये हो गया। तो मुझे बताओ कि इस प्रोसीजर में ये एक शेप क्राउन जैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, इसलिए इसे क्राउन ग्राफ्टिंग कहते हैं। और इस मेथड में, क्राउन ग्राफ्टिंग मेथड के अंदर हम देखते हैं कि यहां पर एक स्टॉक से क्राउन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी जिसमें मोर देन वन अपन ग्राफ्ट यूज कर सकते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, क्राउन ग्राफ्टिंग, क्लियर है। जहां पर सीजन स्मॉल साइज के होंगे, छोटे डायमीटर के होंगे, जबकि स्टॉक लार्ज डायमीटर का होगा। बताइए बच्चों कैसे डायमीटर का होगा, लार्ज। तो विच ग्राफ्टिंग यू कैन यूज मोर देन वन ग्राफ्ट, सो योर आंसर इज अ क्राउन ग्राफ्टिंग। नाउ वी टॉक अबाउट द लास्ट बड ग्राफ्टिंग, आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, मेंशन करते चले। तो देखिए बड ग्राफ्टिंग क्लास, ये हमारे चैप्टर का लास्ट है, यहां पर बड ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं अपन। तो देखो सबसे पहले बड को समझ लेते हैं। बड क्या होता है, एक एडवेंटिशियस ग्रोथ होती है, या आप उसे आउट ग्रोथ कह सकते हो। कैसे, देखो किसी भी स्टेम के अंदर दो चीजें आपको देखनी पड़ेगी, एक तो नोड, एक इंटर नोड, एक नोड और एक इंटर नोड। तो मैंने याद करो शुगर केन के केस में भी आपको बताया था कि दीज आर कॉल्ड नोड, और इसे क्या कह सकते हैं अपन, इंटर नोड, आई एन से शो कर सकते हैं। तो देखो बेटा ये जो सेप्टा है नोड वाले, यहां कई बार कुछ आउट ग्रोथ बन जाती है, इन आउट ग्रोथ को आप कह सकते हो बड, आउट ग्रोथ या बड कह सकते हैं। इस बड के कैरेक्टर को हम ग्राफ्ट करने के लिए दो सीजन एंड स्टॉक के बीच में बड को ग्राफ्ट कर दिया जाता है। कैसे किया जाएगा तो देखो बेटा, ये तो हो गया आपका सीजन, और ये हो गया बेटा आपका स्टॉक। तो बताओ हमारे पास एक सीजन अवेलेबल है और एक स्टॉक अवेलेबल है, इन दोनों के बीच में किसे प्लेस किया जाएगा, बड को, इसे आप कह सकते हो बड, इसे कह सकते हो आप सीजन, और इसे कह सकते हो आप स्टॉक। अब इनको भी बांध दिया जाता है, टाइटली रैप कर दिया जाता है। अब बताओ ये बड जब जर्मिनेट करेगी तो सीजन और स्टॉक के कैरेक्टर्स के साथ, यानी टिश्यूज के साथ इंटरेक्ट करेगी, और उसके बाद एक नए प्लांट को ग्रो करने का काम करेगी। इस तरह से हम नॉर्मल प्लांट्स को हायर कैटेगरी के प्लांट्स बना सकते हैं, बिकॉज उस नॉर्मल प्लांट के किसी पार्ट को हम किसी हायर प्लांट के स्टॉक वाले पार्ट से जोड़ करके उसे ग्रोथ करवा सकते हैं और उसे हाई वैरायटी के बना सकते हैं। तो इस तरह से बेटा हमने ये वाला पढ़ा है आज, नेचुरल आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है बॉटनी का, जिसमें फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ाया है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एगेमस स्पर्मी और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के भी कुछ पार्ट थे, बाय स्टेम, बाय रूट, बाय लीव्स, बाय रिप्रोडक्टिव पार्ट। फिर उसके बाद हमने जब आर्टिफिशियल मेथड की बात की तो उसमें हमने कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग की बात की। तो हमारा ग्राफ्टिंग वाला पार्ट बच रहा था, आज हमने वो भी कंप्लीट कर लिया है।
अब इससे आगे हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप अपना नोटबुक और अपने टेक्स्ट बुक दोनों लेके बैठे और चीजों को समझने की कोशिश करें और उन्हें मेंशन करते जाएं। कोई भी डाउट हो आप यहाँ पर जब आए तो मुझसे यू कैन आस्क मी इजीली। थैंक यू सो मच।